दगडोली मशीन एंड एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त रविंद्र कल्याण। आज भी अपनी ये हार्वेस्टर ये खड़ी सरसों में चल रही है और भाई ये देखो कितनी फुर्ती से काम कर रही है और बिल्कुल SMS का भी जो काम है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है भाई। तो ये साउथ सुंदरवास में भाई चल रही है ये और यहाँ पे ये भट्ठे हैं इस गांव में काफ़ी। तो ये जो भट्ठा ये भट्ठे की चिमनी जो ये नज़र आ रही है वही नज़दीक में पूरे दिन में दोस्तों लगभग 15-16 किलो निकल पाते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा प्यार से काम होता है इसमें सरसों में, क्योंकि सरसों वाला जो कटर है ये एक तो 12 फुट चौड़ा है भाई और एक जो गेहूँ से थोड़ी कम रफ्तार होती है सरसों में, इसलिए ये 14-15-16 किलो तो किले तक वही निकलते हैं ये। सरसों वैसे बिल्कुल पक चुकी है और भाई वैसे किसान बिल्कुल संतुष्ट रहता है भाई, अपने हार्वेस्टर का जो काम होता है उसे बिल्कुल किसान संतुष्ट है बिल्कुल। और वैसे इस फ्रेम में आप देख भी सकते हैं भाई, बिल्कुल जैसे हाथ से जो लेबर काटती है उससे भी अच्छा काम हो रहा है भाई। इधर ये मिट्टी थोड़ी टाइट है भाई, इसलिए जैसे उल्टी साइड में जब मशीन चलती है ना तो ये सरसों के जो डोले होते हैं जो खुड होते हैं देसी भाषा में बोलते हैं खुड उसको, तो जैसे खुडों में जैसे टाइट मिट्टी में जैसे वो डोले से रह जाते हैं, तो इसलिए जंपिंग करते हुए चल रही है अभी थोड़ा है। इसमें वैसे फिटर के नक्के नक्के टूटने का थोड़ी परेशानी रहती है भाई, थोड़ा बह रहता है इसमें। देखो देखो कैसे जंप कर रही है, अपने हार्वेस्टर में ये पीछे वाले टायर भी चौड़े हैं, चाहे वो बालू मिट्टी में चले चाहे टाइट मिट्टी में चले चाहे कितना भी ऊंचा खेत हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे टायरों में ये थोड़ा सुविधा रहती है। यदि आपका कोई सवाल हो तो भाई दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक भाई पहुँच सकें।